मूवी शुरू होती है और हमें ऑस्ट्रेलिया में चल रही एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक प्रोफेसर मंच पर स्पीच दे रहे होते हैं। वो प्रोफेसर काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है, जो वहां पर बैठे सभी लोगों को बहुत ही अजीब लगती है। तभी एक लेडी प्रोफेसर को कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं। वो लेडी प्रोफेसर को जब वापस अपनी सीट पर बैठने का कह रही होती है, तभी प्रोफेसर एक चाकू लेकर उसकी उंगली काट देता है। वो लेडी दर्द से चीखने लगती है, तभी वहां पर बैठे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद प्रोफेसर उस लेडी की कटी हुई उंगलियों को एक पेपर में लपेटने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर को शूट कर देता है, लेकिन मरते हुए भी प्रोफेसर पास में गिरे अपने मोबाइल को उठाने लगता है। इस प्रोफेसर ने ऐसी हरकत क्यों की, ये आपको मूवी के अंदर पता लगेगा। और मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लाते रहें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जिसका नाम एलियट होता है। अब एलियट ऑफिस जाता है, जहां पर उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और उसे कहता है कि कस्टमर तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए अब हम तुम्हें काम पर रखना नहीं चाहते। एलियट के ऊपर उसके भाई के इलाज की भी जिम्मेवारी होती है, कि भाई को एक बीमारी होती है। एलियट पहले ही अपने भाई के इलाज पर काफी रुपए खर्च कर चुका है और अब एलियट की जॉब भी चली गई है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि अपने भाई का इलाज वो कैसे करवाएगा। फिर वो अपने फादर के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन उसके फादर उसकी कोई मदद नहीं करते। एलियट की एक वाइफ भी होती है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। एलियट इस समय बहुत ही परेशानी से जूझ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलियट कार से कहीं जा रहा होता है और उसके अंदर एलियट को एक मक्खी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी एलियट को एक कॉल आता है और उस पर कोई एलियट को कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक गेम है और तुम इस गेम में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो तुम बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो और उसके लिए तुम्हें बस कुछ टास्क पूरे करने होंगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर एलियट को वो कोई फ्रॉड आदमी लगता है, लेकिन उसी वक्त वो आदमी एलियट को उसकी पुरानी बातें बताने लगता है, जैसे उसके भाई का इलाज, उसका जॉब से निकलना, यहाँ तक कि वो एलियट को उसकी माँ के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है और तो और वो एलियट को उस मक्खी के बारे में भी बताता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है और अभी भी वो कार में ही है। ये सुनकर एलियट गाड़ी रोककर अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता। फिर वो आदमी एलियट को कहता है कि जो मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है, अगर तुम उसे मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में $1,000 आ जाएंगे। तब एलियट जल्दी से उस मक्खी को मार देता है, क्योंकि ये टास्क उसे बहुत आसान लगता है। तभी वो अपने फोन में देखता है कि उसके अकाउंट में $1,000 ट्रांसफर हो चुके हैं। ये देखकर एलियट बहुत ही हैरान होता है और जल्दी से अपने घर जाकर कंप्यूटर पे अपने अकाउंट को चेक करता है और देखता है कि उसके अकाउंट में सच में $1,000 ट्रांसफर हो चुके हैं। और फिर अगले टास्क में उसे उस मक्खी को खाने को बोला जाता है, इससे उसे और पैसे मिलेंगे। उस वक्त एलियट को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस मक्खी को खा लेता है। उसके बाद उसके अकाउंट में $3,600 आ जाते हैं। ये देखकर एलियट हैरान होता है और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चल रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तब एलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे देख सकते हो। तब वो आदमी उसे बोलता है कि हाँ, वो अभी भी उसे देख सकता है। इसके बाद वो आदमी एलियट को गेम्स के रूल समझाता है और उसे कहता है कि इस गेम में टोटल 13 टास्क हैं, जिसमें से तुमने 2 टास्क पूरे कर लिए हैं। जैसे जैसे तुम आगे के टास्क पर बढ़ोगे, उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे और उसके तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और अगर तुमने किसी टास्क को करने से मना किया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। और वो एलियट को कहता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, ये गेम का रूल है। उसके बाद एलियट इस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट डे हम एलियट को उस आदमी के कॉल का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम्हें एक बच्चे को रुलाना होगा, जिसके लिए तुम्हें $5,000 मिलेंगे। एलियट को ये टास्क काफी आसान लगता है और वो अपने आसपास किसी बच्चे को ढूंढने लगता है और तभी उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। तो एलियट उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें प्यार नहीं करते, वो तुम्हें कहीं दूर छोड़ आएंगे। ये सुनकर पर वो बच्ची रोने लगती है और तब एलियट अपना फोन देखता है, उसके फोन में $5,000 आ जाते हैं। उसके बाद एलियट वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी होती है। नेक्स्ट सीन में हम एलियट को एक चर्च में देखते हैं, जो वहाँ अपने फादर को लेने आया होता है। तभी उसे
वहाँ एक कॉल रिसीव होता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चर्च में लगे नेटिविटी सीन को जलाना होगा, जो कि ब्लाइंड बच्चों ने बनाया था। फिर एलियट उस नेटिविटी सीन को उठाकर बाहर ले जाता है और उसे जला देता है, लेकिन इसी बीच उससे गलती से चर्च भी जल जाता है। फिर एलियट जल्दी से अपनी फैमिली को वहाँ से बाहर ले आता है, फायर अलार्म को भी बजा देता है। अब एलियट को इस टास्क को पूरा करने के लिए $10,000 मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस बच्ची को एलियट ने रुलाया था, उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिर एलियट को उसके अगले टास्क में एक भिखारी के कपड़े चुराने के लिए कहा जाता है, तो एलियट उसका पीछा करके उसके कपड़े चुरा लेता है। तब भिखारी भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। रिपोर्ट करने के बाद एक आदमी जो कि डिटेक्टिव था, अब वो एलियट को ढूंढ रहा होता है और उसकी एलियट पर नजर होती है। अब पुलिस को भी पता लग जाता है कि चर्च को जलाने वाला, बच्ची को परेशान करने वाला और भिखारी के कपड़े चुराने वाला आदमी एक ही है, क्योंकि अब उसका स्केच बनवा लिया जाता है। अब अगले टास्क में एलियट को अपने अपार्टमेंट में से एक आदमी को कॉफी पर ले जाने के लिए कहा जाता है। अब एलियट जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो आदमी बाथटब में मरा हुआ है। फिर एलियट कॉल पर उस आदमी से कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तब वो आदमी एलियट को उसके पैसों की जरूरत के बारे में बताता है। फिर एलियट उस मरे हुए आदमी को अच्छे कपड़े पहनाकर उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और रेस्टोरेंट में जब वो आदमी हिलता डुलता नहीं, तब वहाँ के लोगों को उस पे शक होने लगता है। लेकिन एलियट ने उसको कैप पहनाया था जिससे एलियट बचा रहता है। तभी रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और एलियट को ये टास्क 4 बजे से पहले करना था, जिसमें काफी कम टाइम रह गया था। इसलिए एलियट जल्दी से पुलिस वालों की कॉफी अपने टेबल पर रख लेता है, जिसकी वजह से उसका टास्क पूरा हो जाता है। अब एलियट ने अपना टास्क पूरा कर लिया था और पुलिस वालों से भी बच जाता है, इसलिए उसे 8वें टास्क के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एलियट के ऊपर 4 केस पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुके थे, जिसमें बच्ची को डराना, चर्च में आग लगाना, भिखारी के कपड़े चुराना और मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में छोड़कर आना। एलियट अपने अगले टास्क के लिए एक अनजान घर में जाता है, जहां उसे उसका एक क्लासमेट जॉनी मिलता है, जो कि उसे बचपन में बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। और अब एलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का एक हाथ काटना होगा। एलियट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन एलियट से कॉल वाला आदमी कहता है कि जॉनी ये काम अपनी मर्जी से कर रहा है। फिर एलियट को समझ में आ जाता है कि जॉनी भी इस गेम का हिस्सा है। एलियट चाहकर भी जॉनी का हाथ नहीं काट पाता। तब जॉनी एलियट पर चिल्लाने लगता है और बचपन की बातें याद दिलाने लगता है कि कैसे उसने और उसके भाई ने एलियट को बहुत ही परेशान किया था। फिर ये सब सुनकर एलियट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जॉनी का एक हाथ काट देता है। उसके बाद एलियट को $1,00,000 मिल जाते हैं। अब एलियट को जॉनी हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर जॉनी का छोटा भाई भी आ जाता है। एलियट को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जॉनी के छोटे भाई को एक चेयर से मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। अब एलियट का ये टास्क भी पूरा हो जाता है और एलियट के अकाउंट में $2,50,000 आ जाते हैं। अब एलियट को ये पता चलता है कि ये उसका 9वां टास्क था। तब एलियट काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद एलियट एक पार्टी में जाता है, जो कि उसकी वाइफ के मॉम डैड ने रखी थी। यहाँ पर एलियट को 10वां टास्क भी मिलता है कि उसे इस पार्टी को खराब करना है, यहाँ की सभी चीजों की तोड़फोड़ करनी है। एलियट पार्टी में बैठकर सोच ही रहा होता है कि वो ये सब कैसे करेगा। तभी वहाँ पर पुलिस एलियट के भाई माइकल को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि माइकल पर एक लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप था। एलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपने ऊपर करते हुए पार्टी में मौजूद सभी चीजें तोड़ने लगता है। इसी बहाने एलियट का टास्क भी पूरा हो जाता है और वो अपनी वाइफ की नज़र में गलत भी नहीं बनता, क्योंकि उसे लगता है कि वो ये सब अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए कर रहा है। इसके बाद एलियट को तुरंत ही $5,00,000 का मैसेज आता है और अब उसे उसका 11वां टास्क मिलता है कि वो खुद को पुलिस को सरेंडर कर दे। एलियट को ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टास्क पूरा करना उसकी मजबूरी होती है और इसलिए वो सरेंडर कर देता है। और वहाँ पर उससे काफी पूछताछ की जाती है और उसे कई सारी तस्वीरें दिखाते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है। ये सब देख एलियट काफी कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि इनमें से कई सारी चीजें मैंने तो देखी भी नहीं, और वो एक वकील की मांग करता है। कुछ देर बाद एलियट खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और एलियट का फोन पुलिस स्टेशन में ही रह जाता है। एलियट को बाहर सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखती है। फिर एलियट को शक होता है कि हो ना हो ये औरत उस गेम से जरूर जुड़ी होगी। तब एलियट उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या तुम भी इस गेम का हिस्सा हो, क्योंकि एलियट का मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही छूट गया था, इसलिए वो उस कॉल वाले आदमी से बात नहीं कर पा रहा था।
था। वो उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ी औरत एलियट को सड़क पर एक रस्सी बांधने को कहती है। एलियट वो रस्सी बांधकर अपने मोबाइल में देखता है तो उसके अकाउंट में $1 मिलियन आ चुके होते हैं। एलियट को लगता है कि ये तो काफी आसान था। अभी एलियट देखता है कि ये रस्सी आयरन की बनी हुई है। वो सड़क के एक छोर से दूसरे छोर पर बंधी हुई है। तभी सामने से कुछ लोगों का ग्रुप तेज स्पीड से बाइक से आ रहा होता है। एलियट उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उन सभी लोगों की गर्दन उस तार से कट जाती है। एलियट ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो इस गेम से किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। तभी एक लड़के के मोबाइल पर कॉल आता है और वो एलियट से कहता है कि तुम्हारा कम्पिटिटर 13वें लेवल तक पहुँच चुका है। वो एलियट को 13वें टास्क के बारे में बताने वाला होता है। तभी एलियट गुस्से में मोबाइल को फेंक देता है कि वो अब ये गेम नहीं खेलना चाहता है। एलियट उसके बाद अपने डैड के घर जाता है जहां उसे उसका भाई माइकल मिलता है। तब एलियट उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने घर भेजा था लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे हो। अब यहां पर हमें पता चलता है कि एलियट का कम्पिटिटर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई माइकल ही होता है और माइकल ने जो लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी भी इस गेम का एक हिस्सा था और इसीलिए पार्टी में पुलिस आई हुई थी। फिर माइकल एलियट को बताता है कि 13वें टास्क में उसे अपनी फैमिली के किसी मेंबर को मारना होगा। माइकल यहाँ पर अपने डैड को मारना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने उसे बचपन में बहुत ही ज्यादा मारा था। माइकल ने इस गेम को खेलने के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसकी दवाई का खर्चा हर महीने $1000 था और वो अपने भाई एलियट की मदद भी करना चाहता था। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही अपनी जगह पर सही होते हैं क्योंकि उन दोनों की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं तभी उनके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तो मैंने 13वें टास्क को पूरा करने में इतना नहीं सोचा था। इसका मतलब ये है कि उनके डैड भी इस गेम को खेल चुके हैं और उन्होंने 13वें टास्क को भी पूरा कर लिया था। ये सुनकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके डैड ने 13वें टास्क को पूरा करने के लिए उनकी मॉम को मार दिया था। इसका मतलब कि उनकी मॉम की डेथ होना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। तब उनके डैड उनसे कहते हैं कि वो गेम जीत कर भी सब कुछ हार गए थे और इसीलिए वो इन दोनों को अब गेम नहीं जीतने देगा। इसलिए उनके डैड अपना गला काट लेते हैं। फिर एलियट और माइकल एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं कि कहीं वो गेम जीतने के लिए एक दूसरे पर हमला ना कर दें। और होता भी ऐसा ही है। माइकल दवाई खाने के बहाने एलियट पर अटैक करने लगता है लेकिन वो उसे मारता उससे पहले ही एलियट माइकल के ऊपर गोली चला देता है जिससे माइकल की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एलियट के मोबाइल पर $10 मिलियन का मैसेज आता है। ये एक विनिंग मैसेज था क्योंकि एलियट का 13वां टास्क भी पूरा हो चुका था और अब एलियट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही डिटेक्टिव एलियट के घर पर आता है जो कि एलियट को पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहा होता है। डिटेक्टिव घर में सारे सबूतों को मिटाने लगता है क्योंकि गेम के विनर को सभी केस से बरी करना होता है ताकि बाकी की जिंदगी वो विनर पैसों के साथ बिता सके। लेकिन 13वें टास्क को कंप्लीट करने वाला इंसान कभी भी सुकून से नहीं रह पाता है क्योंकि उस टास्क में उसे अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना होता है जो माइकल और उसके डैड के साथ हुआ था। तभी एलियट घर में आ जाता है और डिटेक्टिव के ऊपर बंदूक तान लेता है। डिटेक्टिव बताता है कि वो भी गेम का एक हिस्सा है, वो एक एम्प्लॉय है और वो एलियट से कहता है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम सारे जीते हुए पैसों को हार जाओगे। लेकिन फिर भी एलियट उसे मार देता है और तभी हम देखते हैं कि एलियट के अकाउंट से सभी पैसे चले जाते हैं। ऐसा करके एलियट के सारे पैसे तो चले जाते हैं लेकिन उसे थोड़ी शांति जरूर मिलती है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि एलियट को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसे एक कॉल आया था जिसमें उसे अजीबोगरीब टास्क करने को कहा गया था के लिए उसे पैसे मिलने वाले थे लेकिन वो कहती है कि उसने वो टास्क करने से मना कर दिया। ये सुनकर एलियट काफी रिलैक्स महसूस करता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।